नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौम्या ठाकुर। आज हम बात करेंगे, बाड़मेर सहित किन सीटों पर बढ़ सकती है बीजेपी की टेंशन। फलौदी सट्टा बाजार के आए चौंकाने वाले आंकड़े। क्या चुनाव के नतीजे आने के बाद बाड़मेर प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी कर सकते हैं बीजेपी ज्वाइन। राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना को लेकर दिया बड़ा बयान। इससे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ सुर्खियों पर। गर्मी के चलते लोगों की हालत खराब। राजस्थान का फलौदी बाड़मेर बने सबसे गर्म शहर, पारा पहुंचा 48 के पार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में चल रहे मानहानि के मुकदमे की सुनवाई आज होनी थी, लेकिन वह कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। राहुल गांधी ने कोर्ट से कुछ दिनों का मांगा समय, सुनवाई के लिए 7 जून की तारीख तय। इंडिया गठबंधन करेगी दिल्ली में बैठक। दरअसल लोकसभा चुनाव का आकलन करने इंडिया गठबंधन की बैठक, कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे ने भेजा नोटिस। गुजरात सरकार ने सोमवार को राजकोट गेम जोन में लगी आग की लापरवाही के चलते 2 पुलिसकर्मी और 5 अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश जारी किया। हादसे में 27 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंच पर भाषण दे रहे थे, इसी बीच उनकी जुबान फिसल गई और उन्होंने भाषण के बीच लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से 400 पार से अधिक सीटों के साथ मुख्यमंत्री बनने की बात कही। देखिए वीडियो। आज देश भर में 400 से भी ज्यादा सीट जीते और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर मुख्यमंत्री बने। देश का विकास हो, बिहार का विकास हो, सब कुछ हो। स्वाति मालीवाल ने कोर्ट में आम आदमी पार्टी पर लगाया बड़ा आरोप। कहा कि यदि विवा कुमार को बेल दे दी गई तो उनके लिए खतरा बन जाएगा। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को भी कहा कि वह भी आरोपी को लेकर घूमते हैं। चक्रवाती तूफान रेमल के चलते बंगाल में कई हिस्सों में तूफानी हवाओं के साथ भारी बारिश। कोलकाता में तूफानी हवाओं की वजह से कई पेड़ उखड़ गए और कई जगहों पर पानी भर गया। सुरक्षित जगह पर भेजे गए 1 लाख से ज्यादा लोग, 2 की मौत। पुणे में पोर्शे कार हादसे के बाद आरोपी युवक की ब्लड रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में 2 डॉक्टर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। पुणे के सशुन जनरल हॉस्पिटल के 2 डॉक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। 27 अप्रैल से विदेश में प्रज्वल रवन्ना अब 31 मई को सुबह 10 बजे ईडी के सामने होंगे पेश। कहा कि मेरे खिलाफ लगाए गए सभी आरोप झूठे। आईपीएल 2024 में केकेआर ने मारी बाजी, 4थी बार ट्रॉफी अपने नाम की। अब नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। आपको बताते हैं, राजस्थान में रिजल्ट के पहले फलौदी सट्टा बाजार के मुताबिक राजस्थान की कुल 25 सीटों में से 19 से 20 सीटें बीजेपी के खाते में जाने की संभावना है, जबकि इंडिया गठबंधन को 5 से 6 सीटें आने की संभावना है। वहीं बाड़मेर जैसलमेर में फलौदी सट्टा बाजार के मुताबिक रविंद्र सिंह भाटी और उम्मीदवार राम बेनीवाल के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। बाड़मेर जैसलमेर सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी ने बीजेपी को टिकट लौटाने वाले निर्दलीय नेता को लोकसभा चुनाव में समर्थन दिया। उन्होंने एक वीडियो जारी करके भोजपुरी स्टार पवन सिंह को रोड शो में ज्यादा से ज्यादा लोगों के शामिल होने और उनके पक्ष में वोट देने की अपील की है। पवन सिंह बिहार के काराकट सीट से भाजपा के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह भाटी बिहार की धन्य धरा को नमन करते हुए काराकट की देवतुल्य जनता को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। सभी साथियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बड़े भाई पवन सिंह जी, जिनकी आवाज देश के कोने कोने तक आज जा रही है, सब लोगों की इच्छा है कि काराकाट की देवतुल्य जनता, पिता तुल्य बुजुर्ग, मात्र शक्ति, युवा साथी उन पर आशीर्वाद जताए, उन पर विश्वास जताए और उन्हें भारी बहुमत के साथ जिताकर देश की सबसे बड़ी पंचायत तुम ले। राहुल गांधी ने रैली में बयान दिया कि जैसे ही हम सत्ता में आएंगे बाकी काम बाद में करेंगे, सबसे पहले अग्निवीर योजना को हटाएंगे क्योंकि यह योजना जवानों का अपमान करती है। दूसरा शहीद जिसको नरेंद्र मोदी अग्निवीर कहते हैं, उसे ना ट्रेनिंग मिलेगी ना पेंशन मिलेगी, उसको उठाकर 3 साल बाद 4 साल बाद आर्मी के बाहर फेंक दिया जाए। इंडिया की सरकार आएगी और हमारा पहला काम महालक्ष्मी योजना से पहले, पहली नौकरी पक्की से पहले, किसान कर्जा माफी से पहले पहला काम होगा कि हम अग्निवीर योजना को फाड़ कर कूड़ेदान में फेंक देंगे।